क्या कैप्टन के हाथों में होगी पाकिस्तान की कमान? इमरान खान साहब बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनी इमरान खान की पार्टी। नजरबंद नवाज शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर। बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर। नवाज और बिलावल की पार्टी ने चुनाव पर उठाए सवाल। हमारी जो पोलिंग एजेंसी निकाल दिया गया, पाकिस्तान चुनाव का भारत पर क्या होगा असर? इमरान खान तो अपने को ओपनली कहते हैं कि वो आर्मी के से मिल के काम करेंगे, वो आर्मी के पोस्टर बॉय। पाकिस्तान में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पाकिस्तान चुनाव की पल पल की खबर सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जी आप किसी के जहन में कोई शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान ही बनने वाले हैं पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये कि 120 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में सबसे आगे इमरान खान की पार्टी। मगर जैसे कि पाकिस्तान की फितरत है, जबरदस्त असमंजस, अफरा तफरी और आक्रोश भी कि इसे पूरी तरह से नतीजों को, पूरी प्रक्रिया को रिग्ड बताया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान जो है फौज का लाडला है और जो फौज का लाडला है उसकी हार कैसे हो सकती है। मगर देखिए अपने आप में अगर आप इस खबर पर गौर करें, जिस शख्स ने पाकिस्तान को 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत दिलाई, आज वो देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कपिल देव साहब की सियासत में दिलचस्पी होती, क्योंकि 1983 में उन्होंने भारत को जीत दिलवाई थी। मगर इमरान खान का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए शुभ खबर नहीं है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कि कम से कम नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना का विरोध किया था, उसी के चलते एक बार उनका देश निकाला हुआ और अब एक भ्रष्टाचार के मामले में वो जेल भी एक तरह से जाने वाले हैं। जी हां, नवाज शरीफ का दूसरे नंबर पर रहना भारत के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब पाकिस्तानी फौज अपना मनमाना एजेंडा चलाने वाली है। और यही वजह है कि एबीपी न्यूज सबसे बड़ी कवरेज करने जा रही है। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, मगर बड़ी बातों के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे अमांद्रा का। अमांद्रा, बिल्कुल अभी सर, 26 साल बाद एक बार फिर जीता है पाकिस्तान का कप्तान, क्योंकि लग ही रहा है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इमरान खान। उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ इस चुनाव में सबसे आगे है। बड़ी बातें जल्दी से आपको इन चुनाव से जुड़ी बता देते हैं। इमरान खान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है, उनकी पार्टी इन चुनाव नतीजों में सबसे आगे है। इमरान खान की पार्टी आगे चल रही है लेकिन बहुमत से दूर है, करीब 17 सीटें अभी तक आए रुझानों के हिसाब से बताया जा रहा है कि वो पीछे हैं। नवाज की पार्टी दूसरे और बिलावल की पार्टी तीसरे नंबर पर है। हाफिज सईद की पार्टी बुरी तरह से हार गई, करीब 270 प्रत्याशी हाफिज सईद ने मैदान में उतारे थे लेकिन ये सब बुरी तरह से पिट गए हैं। हाफिज सईद के बेटा और उसका दामाद भी चुनाव मैदान में था, लेकिन इन चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं, कल शाम से ही गिनती शुरू हो गई थी, पूरी रात ये गिनती चली और सुबह तक तस्वीर जो उभर कर आई है वो यही है कि इमरान खान की पार्टी इन चुनाव में सबसे आगे है। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, 120 सीटों पर इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी को बढ़त है, 137 जादुई आंकड़ा है। नवाज की पार्टी को 58 सीटों पर बढ़त है, यानी मुख्य ऑपोजिशन हो सकती है नवाज की पार्टी। और बिलावल की पार्टी 33 सीट पर आगे चल रही है। इमरान खान का पीएम बनना तय लग रहा है, बढ़त इमरान खान को मिली हुई है। सवाल यह भी कि आखिर किंग मेकर की भूमिका में अब कौन सी पार्टी रह सकती है, क्या पीपीपी बनेगी पाकिस्तान में किंग मेकर? अभिसार, जी हाँ, शायद उसकी भी जरूरत ना पड़े अमांद्रा। और उसकी बड़ी वजह क्या है कि अगर निर्दलियों का ही साथ ले इमरान खान तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और यही नहीं छोटे छोटे दल जो हैं वो भी यहां पर अहम किरदार निभाने वाले हैं। मगर जिस शख्स पर पाकिस्तानी फौज का आशीर्वाद हो उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आने वाली। आप देख सकते हैं समर्थकों में जबरदस्त जश्न का माहौल, और यहां पर आप देख सकते हैं समर्थकों में जश्न दिखाई दे रहा है। इमरान खान सबसे आगे हैं और अब किसी के जहन में कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि इमरान खान ही बनेंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। मगर यकीन मानिए यह घटनाक्रम भारतीय उपमहाद्वीप में एक अहम मोड़ भी ला सकती है। आतिशबाजी इस वक्त
इमरान खान की एक जो चीज है जिसके लिए उन्हें पसंद किया गया कि इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, यह तय है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फैक्शन या पीपीपी की बात करें, इन दोनों ही पार्टियों में भ्रष्टाचार का साया जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, बहुत ज्यादा गंभीर उन पर आरोप हैं, उन पर दोष साबित भी हुआ है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इमरान खान की सरकार कैसे बनेगी। आप कहेंगे 137 का आंकड़ा है बहुमत का आंकड़ा, 120 सिर्फ 17 दूर। अब सरकार कैसे बनाएंगे हम आपको बता रहे हैं। अगर अन्य के साथ, यानी कि उन्हें ना नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की जरूरत है और ना बिलावल भुट्टो की, तब भी आराम से 178 जो है सांसदों के साथ वो नेशनल असेंबली में अपना परचम कायम करेंगे। एक तो ये साधारण सा आंकड़ा आपके सामने उभर कर आता है। अगर बिलावल भुट्टो का साथ उन्हें मिलता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं तीसरे नंबर पर हैं इस वक्त, बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद, उनकी मौत के बाद से बिलावल भुट्टो जो हैं उनका कद लगातार नीचे गया। नवाज शरीफ की बात करें, अब देखिए हम अन्न की बात करें तो यहां पर अगर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और अन्न एक साथ मिलते हैं तो 149 सीटें, मगर देखिए वो अन्न जो 58 है ना, इस पर आपको गौर करना होगा, इन पर खासा दबाव होगा नवाज इमरान खान के साथ जाने के लिए। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है, ये जो विकल्प हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।